छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के साथ ही समाप्त हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में जमकर तलखी देखने को मिली है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने मुद्दों पर केंद्रित भी नजर आए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। 13 घंटों से अधिक चली चर्चा में विपक्ष ने 109 मुद्दों पर आरोप पत्र लाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने नक्सलवाद के साथ साथ घोटाले और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन सत्ता पक्ष ने हर आरोप का बिंदुवार जवाब दिया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अविश्वास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का हवाला दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। माननीय बृजमोहन जी ने चर्चा हमारे तरफ से प्रारंभ किया है। देखिए क्या है, अविश्वास प्रस्ताव हमने 109 बिंदुओं का सदन में प्रस्तुत किया। कायदा यह है कि हमारे एक एक बिंदु का जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो मणिपुर ले जाते हैं अविश्वास प्रस्ताव को, दिल्ली ले जाते हैं घुमाने के लिए, महामहिम राज्यपाल के यहां ले जाते हैं। हमने तो इसका जिक्र ही नहीं किया है, न उसमें भारत सरकार का जिक्र है, महामहिम का जिक्र है। अविश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा होती है और सरकार के मंत्रियों को, अगर वो चर्चा में भाग लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देते हैं, तो चर्चा के बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। वही विपक्ष की कवायद को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार की उपलब्धियों को सामने रखने का भरपूर अवसर मिला। सीएम ने तंज कसा कि भाजपा ने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया और ध्वनिमत से वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और सत्ता पक्ष को जहां अपनी बात कहने का मौका मिला और विपक्ष ने जो आरोप लगाए हमारे मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने, उसका माकूल जवाब भी दिया और सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो इस सदन के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को संदेश दिया। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव का हर्ष तो सबको मालूम था, लेकिन हैरत की बात है, इस अविश्वास प्रस्ताव ने दोनों ही दलों के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है। विपक्ष जहां सरकार को बेनकाब करने को लेकर जोश में है, तो वहीं कांग्रेस को भाजपा में बिखराव और सरकार के कामों के सहारे जीत का भरोसा है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। ग्वालियर में बीते 21 जुलाई को प्रियंका गांधी का दौरा था। हालांकि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखे हमले नहीं किए। प्रियंका ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो जुवारी हमला बोला था, उसका जवाब भी हुए सिंधिया ने उसी अंदाज में दिया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव 2023 और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय भूमिका में नजर आने लगे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रही और ग्वालियर में प्रियंका ने अपने 32 मिनट के भाषण में केवल एक बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहूँ तो सिंधिया जी के लिए बोल सकती हूँ कि किस तरह अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया और क्यों किया, इन सब में अब जाने की जरूरत नहीं है। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई, लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। प्रियंका गांधी के इसी बयान को लेकर अब सिंधिया का पलटवार सामने आया है। सिंधिया ने कहा कि जो भी मेहमान ग्वालियर आते हैं उनका स्वागत है, शायद पहली बार ग्वालियर आई है इसीलिए उनका सत्कार स्वागत है। आगे सिंधिया ने कहा कि मंच पर जो अन्य मेहमान बैठे थे वो पहले भी मेहमान बनकर आए हैं, उनकी आंखों में बदलता हुआ ग्वालियर का सूरज झलक रहा था। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ग्वालियर में एयरपोर्ट, एलिवेटेड रोड, ग्वालियर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प,
1000 बिस्तर का अस्पताल क्या संभव हो पाता? और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या ये सब संभव हो पाता? क्या एयरपोर्ट संभव हो पाता? क्या रेलवे स्टेशन संभव हो पाता? क्या एलिवेटेड रोड संभव हो पाता? चाहे ISBT संभव हो पाती? चाहे 1000 बिस्तर का अस्पताल संभव हो पाता? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी की सरकार विकास और प्रगति पर केंद्रित है। जब ग्वालियर को जरूरत थी एलिवेटेड रोड की तब कांग्रेस के नेता नहीं दिखे थे, जब ग्वालियर को जरूरत थी एयरपोर्ट की तब कांग्रेस के नेता नहीं दिखे थे, जब ग्वालियर को जरूरत थी रेलवे स्टेशन की तब कांग्रेस के नेता नहीं दिखे थे, जब ग्वालियर की जनता मौत से जूझ रही थी कोरोना में उस समय कांग्रेस के नेता नहीं दिखे थे। इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल इलाके में अपनी ताकत दिखाना चाह रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर आई। ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया राज परिवार का प्रभाव है, यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में भाजपा मैदान में उतरेगी। ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट, INews 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करके इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व मंत्री व विधायक लखन घनगौरिया के भतीजे माना हुए भाजपा में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश संगठन महामंत्री ने 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनगौरिया के भतीजे मानव घनगौरिया 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। लखन घनगौरिया आपको बता दें महाकौशल क्षेत्र से विधायक है कांग्रेस के और पूर्व मंत्री भी हैं। उनके भतीजे मानव जो है अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री लखन घनगौरिया के भतीजे 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। खबरों में बात करेंगे प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे को लेकर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के किसी भी नेता के दौरे से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास झूठ बोलने की गारंटी है। कांग्रेस नेताओं ने जो कहा वह कभी नहीं किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इन दिनों सार्वजनिक मंचों से भाषण देते नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी की MP में 2 सभाएं हुई, लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक भी सभा में भाषण नहीं दिया है, जिसके बाद अब राजनीतिक हलकों में उनके भाषण ना देने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का महाकौशल से चुनावी आगाज और जनसभा। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भारी जनसैलाब के बीच PCC अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, लोकसभा सांसद नकुलनाथ, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और राजमणि पटेल का प्रियंका गांधी के सामने जोरदार भाषण। लेकिन इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का जनता के सामने भाषण से परहेज। मेला ग्राउंड ग्वालियर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली और जबलपुर के शहीद स्मारक में चुनावी आगाज रैली के दौरान मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का भाषण न देना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस की माने तो दिग्विजय सिंह को चुनावी समन्वय का काम दिया गया है और वे उसे बाखूबी निभा रहे हैं। भाषण देना और ना देना ये एक अपना अपना मैनेजमेंट होता है और हो सकता है उनका अपना स्वयं इच्छा हुआ है। वो इतने बड़े नेता हैं कि उनको भाषण देना है नहीं देना है वो खुद उस पर विचार करते हैं। तो ये सब बातें अगर भाजपा उठा रही है तो इसमें कोई मुद्दम नहीं है, मुद्दे में ही दम नहीं है, क्योंकि जो ग्वालियर में हुजूम देखने को मिला है उससे साफ साफ दिख रहा है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो मेहनत वहां पे ग्राउंड स्तर पर की थी वो साफ साफ झलक। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मेरे भाषण देने से कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, इसलिए कोई भाषण नहीं, जिससे सत्ताधारी बीजेपी हमेशा तंज कसने के लिए उपयोग करती है। वहीं अब बीजेपी के निशाने पर हमेशा रहने वाले दिग्विजय सिंह के सार्वजनिक मंचों से भाषण न देने को लेकर वह इसे कांग्रेस की गुटबाजी और नेताओं की आपसी लड़ाई बता रही है। कांग्रेस गुटों में बटी हुई, धड़ों में बटी हुई और उनकी जो लड़ाई है वो जमीन पर दिखने लगी है।
आप देखेंगे कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की नहीं बन रही है, इधर से सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, अजय सिंह, राहुल, गोविंद सिंह, अनेक अनेक ऐसे धड़े हैं जो आपसी खींचातान में लगे हुए और इस समय कमलनाथ जी का गुट हावी है, इसलिए मुझे लग रहा है कि राजा को चुप करा दिया गया है। फरहाल दिग्विजय सिंह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहते हैं और उन्हें पार्टी में समन्वय का काम भी दिया गया है, जिसको लेकर वे कई विधानसभाओं में दौरे भी कर रहे हैं। वहाँ भी वे मंच से खुद न बोलकर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से भाषण करवाते हैं और खुद एक कार्यकर्ता की भांति सभी के बीच बैठकर उनकी बात सुनते हैं। लेकिन वहीं राष्ट्रीय नेताओं की रैलियों और सभाओं में भी वे चुप ही नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7, भोपाल।